हेलो एवरीवन, आईआईटीएन ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीक के अंदर जो मार्केट के ट्रिगर्स हैं वो, कि कौन कौन सी बड़ी खबरें आने वाली हैं, और साथ में इस वीकेंड के ऊपर जो बड़ी बातें हैं आई उनके बारे में, और जो कुछ रिजल्ट्स जारी हुए थे उनके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा वीडियो आपको देखना चाहिए और स्किप नहीं करना है। अब चलते हैं वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में आप बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर सभी चीज़ों की इंफॉर्मेशन है, आपको वहाँ पे अपडेट मिलती है, न्यूज़ की वहीं पे अपडेट मिलती है, और हमने चैट सेक्शन भी ओपन करके रखा हुआ है, तो आप जाकर के हमसे वहाँ पे अपने ट्रेड के बारे में या फिर आपका कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, उसका भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अब चलते हैं जो न्यूज़ हैं और जो ट्रिगर्स हैं उनके ऊपर, तो जो सबसे पहले जो न्यूज़ है उसके ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है टाटा मोटर्स के लिए, ठीक है। टाटा मोटर्स ने क्या अचीव किया है, 1,00,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने का जो इनका टारगेट था वो इन्होंने अचीव कर लिया है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया कि अभी ग्रुप ने 1,00,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो बेच दिए हैं। अब इसके अंदर भी आपको चीज़ें ध्यान होनी चाहिए कि यहाँ पे जो पिछले 12 महीने का ट्रेंड देखोगे उनमें जो लास्ट 9 मंथ है, ठीक है, लास्ट 9 मंथ है उसके अंदर इन्होंने 50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचे, ठीक है। और जो यहाँ पे अभी जो FY24 चल रहा है, ठीक है, उसका फर्स्ट जो क्वार्टर है उस फर्स्ट क्वार्टर के अंदर देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने 19,000 जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो बेचे हैं। तो यहाँ पे अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो ट्रेंड है इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने का वो अभी शुरुआती फेज़ में, और ये धीरे धीरे इस प्रकार से, जैसे ये ग्राफ होता है ना, ये ग्राफ है जैसे आप इसको एक्सपोनेंशियली ग्राफ बोल सकते हो, तो ये इस प्रकार से इंक्रीज होने वाला है। तो ये अभी ये जो ट्रेंड है वो आगे बढ़ने ही वाला है, ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। और ये जो न्यूज़ है टाटा मोटर के लिए अच्छी है। टाटा मोटर्स के पास 83% इलेक्ट्रिक मार्केट शेयर है, यानी कि अभी तक जितनी गाड़ियां हैं ईवी की उनमें से 83% है वो किसकी है, टाटा मोटर्स की है। टाटा मोटर्स जो पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनके अंदर मार्केट का लीडर है, और PLI की मांग कर रहा है, जो यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है, जो कि सरकार यहाँ पे ऐसी कंपनियों को कुछ इंसेंटिव देगी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना करके या आत्मनिर्भर बनाने के अंदर जो सहयोग करती हैं उनके लिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए PLI की मांग कर रही है, और उन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट को यहाँ पे लिखित में दिया है। अब ये तो एक डेटा हो गया। दूसरा यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो पहले ये न्यूज़ थी आज से 5 साल पहले कि जो कोई भी व्हीकल आएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल तो उसको चार्जिंग पे कहाँ पे लगाएंगे या फिर उसका मेंटेनेंस कैसे करेंगे, तो वो सारी चीज़ें, ये जो मतलब मूड है वो होता नहीं था लोगों का। तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो चार्जिंग है वो एक तरीके से घर के अंदर ही चार्जिंग कर रहे हैं लोग, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट कर दिया है कि टाटा पावर है उसने बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन है वो लगा दिए हैं, तो अब ये प्रॉब्लम नहीं आती कि इसको चार्ज कहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ईजी कर दिया है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका प्रचलन बढ़ गया है, तो ये आगे आने वाले टाइम में भी बढ़ने वाला है। तो ये एक न्यूज़ हो गई। इसके बाद में मैं आपको दूसरा जो न्यूज़ है वो बताना चाहूँगा कि जिरोधा है उसने सेबी के पास में एक एप्लीकेशन डाली थी। किस चीज़ की डाली थी, जिरोधा है वो खुद म्यूचुअल फंड है वो शुरू करने वाला है, ठीक है, खुद है वो म्यूचुअल फंड। अभी तक आप दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे लगाते थे ना जिरोधा कॉइन के थ्रू, ठीक है, जिरोधा का एक एप्लीकेशन है जिरोधा कॉइन, उसके अंदर जाकर के आप दूसरे कहीं म्यूचुअल फंड चल रहे हैं उनके अंदर पैसे लगाते थे, लेकिन अभी से क्या होने वाला है, जिरोधा है वो खुद से ही म्यूचुअल फंड बनाने वाला है, खुद का ही म्यूचुअल फंड है वो बनाने वाला है। इसको सेबी ने क्या कर दिया, अंतिम मंजूरी दे दी है। तो अब जिरोधा है उसका ट्रस्ट एक तरीके से पहले भी बड़ा हुआ था, सबसे ज्यादा यहाँ पे बड़ा ब्रोकर भी बोल सकते हैं उसको, और अब ये म्यूचुअल फंड है, असेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो शुरू करने वाला है। तो ये इसके अंदर देखना होगा कि किस प्रकार से ये काम करता है, यानी इसका वैल्यूएशन तो बढ़ने ही वाला है। ये चीज़ अपने लिए क्या बेनिफिशियल है, तो देखो जिरोधा एक आपको डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करने वाला है या ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड करने वाला है, तो ये चीज़ है ही है। साथ में अब म्यूचुअल फंड के कारोबार में भी उतरता है तो इसका ट्रस्ट और बढ़ता है, ठीक है, ट्रस्ट बढ़ता है, इसका जो वैल्यूएशन है वो बढ़ता है, जब इसके पास रेवेन्यू आता है तो चीज़ों को यहाँ पे, ये सब चीज़ें क्यों करते हैं, ये जो डिजिटल या आप इसको मान सकते हो कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना जो क्या बोलते हैं उसको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर के ऊपर ज़्यादा फोकस करके रखा हुआ है, कि ये ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं करते हैं। इनकी जो पब्लिसिटी है वो
क्लाइंट्स हैं वो ही करते हैं कि इनका जो इंटरफेस है वो बहुत अच्छा है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो अब म्यूचुअल फंड के अंदर भी इसी प्रकार का होने वाला है, तो ये सबसे कम टर्नओवर रेशियो है वो लेंगे, साथ में जो एक्सपेंस रेशियो है या फिर एग्जिट जो रेशियो है वो भी कम लेंगे, जो चार्जेस हो सकते हैं कि कम हो, और चार्जेस तो एक अलग चीज़ है, साथ में म्यूचुअल फंड कंपनी शुरू करते हैं तो उसका ट्रस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये चीज़ होगी। इसके बाद में जो इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आया है वो भी 3.7% के करीबन आया है, तो अभी मैं बताना चाहूँगी ये मंथ ऑन मंथ है वो 5.2% से घट करके 3.7% आया है, और IIP जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है ईयर ऑन ईयर देखोगे तो यहाँ पे 12.6 से घट करके 3.7% आया है। तो ये चीज़ आपके मतलब इकोनॉमी के लिए तो उतना बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती, लेकिन मार्केट के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये जो प्रोडक्शन है वो घट के आ रहा है। अब प्रोडक्शन घट के क्यों आ रहा है, कि आगे डिमांड कम हो, और डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा, और जब डिमांड कम हो जाती है तो चीज़ें हैं वो सस्ती होने लगती हैं। ये सिर्फ अभी देखोगे तो जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनके अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा है, बाकी चीज़ें सस्ती हैं, कोई मतलब सस्ती हो रही हैं, ठीक है, ये आप जो डेटा देख रहे हो। तो इससे ये साबित होता है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा हाइप नहीं होगा, वो सुधरेगी, यहाँ पे सुधरेगी ही, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद में जो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं या जो डेटा हैं वो आने वाले हैं नेक्स्ट वीक के लिए, तो उनमें सबसे बड़ा जो डेटा है वो आने वाला है CPI का, इंडिया का जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का डेटा है यानी कि महंगाई का डेटा है वो आने वाला है, और RBI है उसको 2-6% के बीच में मान के चल रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको बताना चाहूँ अगर कि यहाँ पे पिछले बार जो जुलाई के अंदर डेटा आया था वो कितना आया था, 4.58 के करीबन आया था, और यहाँ पे सॉरी 4.81% के करीबन आया था, और था कितना पहले 4.31% के करीबन, तो यहाँ पे हल्का सा बढ़ गया है, लेकिन इस बार जो फोरकास्ट किया गया है वो 6.5% के करीबन कर दिया गया है, और ये मेनली लेड किसके भाई है, ये है जो मेनली लेड भाई जो एग्रीकल्चर और जो वेजिटेबल प्राइजेस हैं वो इन्हेंस या उनका प्राइस हाइक हो गया उस वजह से, ठीक है। तो ये जो इन्फ्लेशन है वो 6.4% का यहाँ पे फोरकास्ट किया हुआ है, तो पहले से पता है कि 6.4% आएगा, इससे कम आता है तो ये अच्छा हो जाएगा। 14 अगस्त को यहाँ पे 5:30 बजे ये डेटा जारी होगा, यानी कि मंडे को ही जारी होगा, तो इसका इम्पैक्ट है वो अपने मार्केट के ऊपर ट्यूजडे को पड़ने वाला है, तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि किस प्रकार का ये डेटा है वो आएगा। अब इसके बाद में UK का जो CPI डेटा है वो भी आने वाला है जुलाई का ही, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, और US का फेडरल रिजर्व की यहाँ पे जो फेड की मीटिंग हुई थी ब्याज दरों के ऊपर, तो उन ब्याज दरों की यहाँ पे मिनट्स हैं वो जारी होने वाली हैं कि किस प्रकार के जहाँ पे उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसके अंदर 18 लोग थे, उनका अलग अलग तरीका का क्या कहना है, उनका मूड क्या है, उन्होंने डिसाइड किया था कि बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए, पॉज करना चाहिए नहीं पॉज करना चाहिए, सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, तो ये जो ट्रिगर है वो जारी होगा और इसका इंपैक्ट भी आपको आने वाले टाइम के अंदर पड़ने वाला है मार्केट के ऊपर। इसके बाद में Q1 के रिजल्ट्स हैं जो बाकी कंपनियां हैं, जो बचे हुई कंपनियां हैं, अभी जो Q1 के अर्निंग जो सीजन है वो एकदम खत्म होने के तौर पे है, और अभी जो लास्ट के अंदर आप देखोगे कि बड़ी कंपनियां कौन कौन सी हैं जिनके बकाया हैं, तो ITC के डिविस लेबोरेटरी, वोडाफोन आइडिया, ईज ट्रिप प्लानर, और आगे आप देख सकते हो कि छोटी छोटी कंपनियां बहुत बड़ी नहीं है, हिंदुस्तान कॉपर बड़ी कंपनी है, तो इन कंपनियों के रिजल्ट्स हैं वो भी आएंगे, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ में जो वीकेंड के ऊपर 12 अगस्त यानी मार्केट जब बंद हो गया था उसके बाद में जो रिजल्ट आए थे उनके अंदर देखोगे RVNL है, ठीक है, सॉरी ये IRFC है, IRFC के रिजल्ट्स हैं वो कैसे आए थे, अच्छे रिजल्ट्स आए थे। इसके बाद में आप NMDC के रिजल्ट्स देखोगे तो NMDC के रिजल्ट्स हैं मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छे रिजल्ट्स हैं, कोई इश्यू नहीं था इसके अंदर भी, और HAL के रिजल्ट्स भी यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अच्छे ही रिजल्ट थे, कोई यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं बोल सकते, हल्के से कमज़ोर बोल सकते हो, लेकिन इनके रिजल्ट भी अच्छे वाले रिजल्ट्स हैं। ग्लेनमार्क के रिजल्ट देखोगे तो इनके भी रिजल्ट्स अच्छे थे, अपोलो हॉस्पिटल के रिजल्ट देखोगे तो यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल के रिजल्ट्स कमज़ोर थे। इसके साथ में 13 अगस्त यानी कि सैटरडे को जो रिजल्ट्स आए थे उनके अंदर फिनोलेक्स केबल के रिजल्ट देखोगे तो अच्छे वाले रिजल्ट्स थे। इसके बाद में JK सीमेंट के देखोगे तो इनके भी रिजल्ट्स हैं वो एक्सपेक्टेशन से अच्छे थे, और RVNL जो रेल विकास निगम लिमिटेड है उसके भी रिजल्ट्स थे वो अच्छे थे, तो इनका भी इम्पैक्ट वो अब आने वाले मार्केट के अंदर मंडे को ही पड़ने वाला है। तो ये मैंने आपको रिजल्ट कौन कौन से आए थे जो वीकेंड के ऊपर उनके बारे में बताया, और साथ में आने वाले मार्केट आने वाले वीक के अंदर जो ट्रिगर्स हैं, रिजल्ट कौन कौन से आने वाले हैं, और जो न्यूज हैं, जो महंगाई के डेटा हैं वो आएंगे, FOMC की जो मीटिंग्स हैं, जो मिनट्स हैं वो जारी होंगे, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। टाटा मोटर्स के जो डेटा जारी हुए हैं कि उनके EV के 1 लाख के जो लक्ष्य था वो पार हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कवर की हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।